भीमा भैया, हमको कुछ पैसे की मदद चाहिए। तुम हमको थोड़ा बहुत पैसा दे दो। हाँ हाँ काका, मैं तुम्हें पैसों से मदद जरूर करूंगा। इतना कहकर भीमा अपनी जादुई सोने की गाय और बछड़े के पास जाता है और उससे बोलता है, हे जादुई गाय, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है। भीमा के इतना कहते ही वो गाय और गाय का बछड़ा तेज रोशनी के साथ चमकते हैं और वो दोनों सोने के हो जाते हैं। सोने की गाय अपने जादू से दूध वाले की बाल्टी अपने नीचे लाती है और सोने का दूध देने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सोने का बछड़ा अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सोने की गाय और बछड़ा एक बार फिर चमकते हुए मामूली सी गाय और बछड़े का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके बाद भीमा सोने की दूध वाली बाल्टी को उठाकर उस बूढ़े व्यक्ति को दे देता है और सोने के सिक्के की पोटली में बांधकर उसके हाथ में थमा देता है। ये सब देख वो बूढ़ा व्यक्ति बोलता है, अरे भीमा, तुम्हारे पास ये जादुई गाय और बछड़ा कहाँ से आया? तुम लोगों की इतनी मदद कैसे कर सकते हो? एक समय तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन आज तुम्हारे पास इस सोने की गाय और बछड़े की वजह से इतना सब है। तुम पूरे गांव की मदद करते हो। भीमा बूढ़े व्यक्ति की बात सुनता है और मुस्कुराकर बोलता है, काका, मैं बहुत ही गरीब था। मैं अपनी माँ के साथ बहुत गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। भीमा अपने सिर पर हाथ रखे चिंता में बैठा हुआ था कि तभी उसकी माँ बिस्तर से उठकर बोलती है, भीमा बेटा, तू ऐसे चिंता में क्यों है? माँ, मेरी गाय का दूध नहीं बिक रहा। लोग मेरी गाय के दूध में कमियां निकाल रहे हैं। तुम बीमार रहती हो। मुझे तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर क्या करूं। बेटा तू चिंता मत कर, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। अगर भगवान हमारे साथ बुरा कर रहे हैं तो वह बुरा हमारी बुराई के लिए नहीं बल्कि हमारी अच्छाई के लिए होता है। आगे भविष्य में हमारे साथ कुछ ना कुछ जरूर अच्छा लिखा होगा, तभी आज हम इतनी परेशानियों में हैं। अभी तुम जाओ और जाकर घर में दूध पहुंचाकर आ जाओ। अपनी माँ की बातों से भीमा सहमत होता है और उसके बाद अपनी गाय का दूध निकालकर गांव में बेचने के लिए चला जाता है। दूध वाला, दूध ले लो, ताजा ताजा दूध लाया हूँ। अरे भैया, एक लीटर दूध तो देना जरा। भीमा उसको एक लीटर दूध दे देता है, जिसके बाद वो आगे की तरफ अपना दूध बेचने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसका दूध नहीं बिकता। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और भीमा अपने घर की तरफ जाने लगता है कि तभी वो औरत उसको रास्ते में रोक लेती है और उसको बोलती है, अरे भैया, तुमने कैसा दूध दिया था? वह दूध फट गया। तुम इतना घटिया दूध देते हो, मिलावट वाला, और सबसे पैसे लूट लेते हो। पर दीदी, मैंने तो कोई भी मिलावट नहीं करी और ना ही फ्री में पैसे लूटे हैं। अच्छा, एक तो दूध वाला है, ऊपर से मुझसे बहस कर रहा है। रुक जा, मैं तुझे अभी बताती हूँ। इतना कहकर औरत गांव के कुछ हट्टे कट्टे लोगों को बुलाती है और भीमा की पिटाई लगवा देती है। भीमा थोड़ी देर बाद घर जाता है। उसकी ये हालत देख उसकी माँ की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ गांव के कुछ लोग भीमा की गाय को मार देते हैं। भीमा ये देखकर बहुत टूट जाता है, जिसके बाद वो खुद से बोलता है, हे भगवान, अब तो मेरी गाय भी नहीं रही। मैं अपनी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। अब मेरे जीने का मतलब ही खत्म हो चुका है, इसलिए मुझे जीने का कोई हक नहीं है। ये सोचकर भीमा जंगल के रास्ते पहाड़ पर चला जाता है। वहां से कूदने की कोशिश करता है। जैसे ही वो उस पहाड़ी से छलांग लगाने जाता है कि उसको किसी की आवाज आती है, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे इस पत्थर से आजाद करवा दो। भीमा पलट कर देखता है, लेकिन उसको कोई भी नजर नहीं आता और एक बार फिर वही आवाज उसके कानों तक आती है, मुझे मुक्ति चाहिए,
मुझे इस पत्थर से आजाद करवा दो। कौन है? भीमा, तुम्हारे पीछे एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा गोलाकार पत्थर है, तुम उस पत्थर को तोड़ दो। जैसे जैसे वो आवाज भीमा से बोलती है वैसे वैसे भीमा करता है और पीपल के पेड़ के नीचे रखा हुआ एक पत्थर जो नीले रंग का था उसको बड़े पत्थर से तोड़ देता है, जिसके बाद उस पत्थर में से चमकती हुई तेज रोशनी निकलती है और जब वो रोशनी धीमी होती है तब उस रोशनी के बीच में देवता आते हैं। वो देवता भीमा से बोलते हैं, भीमा, तुमने मुझे श्राप से मुक्त करवाया है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगा। मैंने कौन से श्राप से आपको मुक्त कराया है? भीमा, मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हुआ था, लेकिन गलती से मुझसे ऋषि मुनि की पूजा भंग हो गई। मैं उनकी पूजा को भंग नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी गलती की वजह से उनकी पूजा भंग हो गई और उन्होंने मुझे श्राप दे दिया। जब उन्हें ये बात बताई तब उन्होंने मुझे ये बोला कि यदि कोई नेक इंसान इस पत्थर को तोड़ेगा तभी मैं आजाद हो पाऊंगा, और आज तुमने मुझे आजाद कर दिया है। इससे ये पता चलता है कि तुम एक साफ और नेक दिल इंसान हो, इसलिए तुम मुझसे अपनी एक इच्छा मांगो और मैं तुम्हारी एक इच्छा को पूरी करूंगा। देवता की ये बात सुनकर भीमा उसको सारी चीजें बता देता है, जिसके बाद देवता उसको एक गाय और एक बछड़ा देते हैं और देवता भीम से बोलते हैं, भीमा, ये कोई मामूली गाय और मामूली बछड़ा नहीं है, तुम इससे अपनी जो मर्जी हो वो इच्छा पूरी कर लेना। ये एक जादुई सोने की गाय और सोने का बछड़ा है, तथास्तु। इतना कहकर देवता वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद भीमा उस गाय से बोलता है, हे जादुई गाय, मेरी माँ बहुत ही बीमार है और लोगों को ऐसा लगता है कि मैं दूध में पानी मिलाकर बेच रहा हूँ, मेरी मदद करो। भीमा के इतना कहते ही वो गाय और गाय का बछड़ा तेज रोशनी के साथ चमकते हैं और वो दोनों सोने के हो जाते हैं। सोने की गाय अपने जादू से दूध की बाल्टी अपने नीचे लाती है और सोने का दूध देने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ वो सोने का बछड़ा अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सोने की गाय और बछड़े एक बार फिर चमकते हुए मामूली सी गाय और बछड़े का रूप धारण कर लेते हैं। ये सब देख भीमा बहुत खुश हो जाता है और उस सोने के दूध और सोने के सिक्के को जाकर बाजार में बेच देता है, जिसके बाद भीमा अपनी माँ का इलाज करवाता है और अपने बचे हुए कुछ पैसों से दूध का कारोबार शुरू कर देता है। धीरे धीरे उसका कारोबार बहुत ही बढ़ता जाता है और उसको अब किसी भी चीज की जरूरत होती तो वो अपने जादुई सोने की गाय और बछड़े से मांग लेता। काकी जी, ये थी मेरी कहानी। बेटा, भगवान तुझे आगे भी इसी तरह की सफलता देते रहे। ऐसे ही दिन बीतते गए और भीमा सबकी मदद करता गया। एक दिन भीमा के पड़ोस में एक लड़की की शादी थी और उस लड़की के घर में चोरी हो गई, जिसकी वजह से अब उस लड़की के घर में एक रुपया भी नहीं बचा। लड़की रोते हुए भीमा के पास आकर उससे बोलती है, भीमा भैया, मेरे घर में चोरी हो गई है और आज शाम को मेरी शादी है। मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मेरे माँ बाप का तो रोते हुए बुरा हाल हो रहा है, ऐसा ना हो कि कहीं वह सदमे से मर जाए। बहन, तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं तेरी शादी करवाऊंगा। इतना कहकर भीमा अपनी जादुई सोने की गाय और बछड़े के पास जाता है और उससे बोलता है, हे जादुई गाय, मुझे थोड़े पैसों की जरूरत है,
भीमा के इतना कहते ही एक बार फिर वो गाय और गाय का बछड़ा तेज रोशनी के साथ चमकते हैं और वो दोनों सोने के हो जाते हैं। सोने की गाय अपने जादू से दूध की बाल्टी अपने नीचे लाती है और सोने का दूध देने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ सोने का बछड़ा अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालना शुरू कर देता है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सोने की गाय और बछड़े एक बार फिर चमकते हुए मामूली सी गाय और बछड़े का रूप धारण कर लेते हैं, जिसके बाद भीमा सोने की दूध वाली बाल्टी को उठाकर उस लड़की को दे देता है और सोने के सिक्के पोटली में बांधकर उसके हाथ में थमा देता है, जिसके बाद उस लड़की की शादी हो जाती है और वो ससुराल चली जाती है और यहाँ भीमा अपने गांव वालों के साथ खुशी से रहने लगता है।